जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे आप अपने घर पे। स्टीरियो केमिस्ट्री में आज हम जो नया लेने वाले हैं टॉपिक, वो है साइक्लोहेक्सेन। बिल्कुल, कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन क्या होता है वो आप सभी को पता है। ये रहा साइक्लोहेक्सेन, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। तो हम इसके कंफर्मेशन देखेंगे। कंफर्मेशन का मीनिंग क्या होता है? कंफर्मेशन का मीनिंग होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम की रेस्पेक्टिव पोजिशन क्या हो, चेंज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंफर्मेशन। ठीक है, और हम देख रहे हैं साइक्लोहेक्सेन। तो थोड़ी सी बात करते हैं कि साइक्लोहेक्सेन के बारे में। सबसे पहले मोर साइंटिस्ट थे, MOHR मोर साइंटिस्ट, इन्होंने 1918 में बताया कि साइक्लोहेक्सेन के दो फॉर्म होते हैं। कितने होते हैं? दो। कौन कौन से बताए इन्होंने? फर्स्ट तो बताया उन्होंने चेयर फॉर्म, और सेकंड इन्होंने कौन सा बताया? बोट फॉर्म। हिंदी में क्या बोलते हैं फिर इसको? कुर्सी और नौका प्रारूप, जो कि इन्होंने बताया साइंटिस्ट मोर ने 1918 के अंदर बताया। ठीक, और इन्होंने ये भी बताया कि ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि इनको जो एनर्जी चाहिए एक दूसरे में बदलने के लिए वो कितनी होगी? 5 से 6 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, सिर्फ इतनी एनर्जी इनको रिक्वायर होती है इन दोनों में बदलने के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम इसे रूम टेम्परेचर पे सेपरेट नहीं कर सकते। समझ आया? चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे कि हमने क्या बोला इसके अंदर चेयर फॉर्म हो गया, फिर हमने बोला इसका क्या हो गया बोट फॉर्म हो गया, एक दूसरे के अंदर क्या होते रहते हैं इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी की बात करेंगे जब हम, तो बात करेंगे कि वे चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है या बोट फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। तो बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन बोट फॉर्म। इन दोनों फॉर्म के अंदर अगर हम स्टेबिलिटी का बात करेंगे तो किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा? चेयर फॉर्म का। ठीक है, रीजन थोड़ी देर में आ जाएगा, अभी याद करने के लिए मैं बता देता हूँ। अगर आप चेयर से नीचे गिरे तो कहाँ गिरेंगे? जमीन पे। और बोर्ड से नीचे गिरे तो छपा कहाँ पे? पानी में। तो मोर डेंजरस क्या है? पानी। याद करने के लिए अब इसका रीजन हम देख लेंगे आगे। चलो, ये तो हो गया हमारे बोर्ड और चेयर फॉर्म। अब हम बात करेंगे किसकी? सिर्फ चेयर फॉर्म की। चेयर फॉर्म क्या होता है? नॉन प्लेनर होता है। कैसा होता है? नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। और आपको सीधी सी पता है, जैसे ये है C6H12। ओके, तो इसके अंदर कितने हाइड्रोजन हो गए हमारे? बिल्कुल ऑब्वियस बात है, इसके अंदर 12 हाइड्रोजन होंगे। और इन 12 हाइड्रोजन को हम 2 कैटेगरीज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हो गई इनकी? एक को हम बोल देंगे एक्सियल बॉन्ड बोल देंगे, और 6 हाइड्रोजन जो हैं, जो बॉन्ड्स हैं, वो कैसे हो जाएंगे? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हो जाएंगे। एट 6 कैसे हो गए? एक्सियल, और 6 कैसे हो गए आपके? इक्वेटोरियल। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सियल इक्वेटोरियल क्या चीज है, तो उसको समझते हैं। कौन से फॉर्म बनाएंगे? चेयर फॉर्म बनाएंगे साइक्लोहेक्सेन का। तो कैसे करना है? सबसे पहले आप 2 लाइन ऐसे ड्रॉ करें पैरेलल एक दूसरे से, तिरछी हो गया। अब इनको ऐसे मिला दें, ये चेयर फॉर्म हो गया है। अब आगे चलिए, हमने बोला कि 6 तो एक्सियल और 6 इक्वेटोरियल, तो पहले हम इसको क्या करते हैं? एक्सियल बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, ये कार्बन एटम नीचे है तो एकदम स्ट्रेट नीचे की तरफ, ये कार्बन एटम ये वाला इससे ऊपर है तो ऊपर की तरफ जस्ट स्ट्रेट लाइन की ड्रॉ किए। ये नीचे तो मैंने स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ किए। ये ऊपर एटम तो स्ट्रेट लाइन ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर एटम है तो ऊपर। ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, यानी इस पूरे साइक्लोहेक्सेन में जो स्ट्रेट लाइंस रहेंगी, यानी स्ट्रेट बॉन्ड जो रहेंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे?
एक्सियल बॉन्ड रहेंगे और हम इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एस। और एक पैटर्न आप इसमें देख रहे होंगे कि एक बॉन्ड नीचे की तरफ है तो अगला ऊपर, नीचे ऊपर, समझ आ गया, अल्टरनेटिव होंगे बॉन्ड्स। चले आगे, ये तो कौन से हो गए हमारे एक्सियल बॉन्ड, अक्षीय बंध। अब आगे चलते हैं, हम बनाते हैं एक और साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन बन गया, अब हम इसमें क्या रिप्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल हम इसमें इक्वेटोरियल बॉन्ड रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे, ध्यान से देखिए, मैं एक पैटर्न बना रहा हूं। यहां पे मैंने M बनाया, वहां पे मैंने W बनाया, ये जो बॉन्ड मैंने रिप्रेजेंट किए हैं वो क्या है, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। कैसे बॉन्ड है, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, कौन कौन से, ये 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 और जे, जे के जे सारे क्या हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड है। और हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल ई से। ध्यान से देखिए, ये एम बन रहा है और ये डब्ल्यू, लेकिन साइक्लोहेक्सेन में तो एक्सियल एज वेल एज इक्वेटोरियल दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे क्या, एक और चेयर फॉर्म बनाएंगे। अब हम इसमें एक्सियल भी रिप्रेजेंट करेंगे और इक्वेटोरियल भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इक्वेटोरियल रिप्रेजेंट कर देता हूं, और हाइड्रोजन मेंशन कर देते हैं, हाइड्रोजन 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 ही लगे होते हैं। सिक्स टाइप के इक्वेटोरियल बॉन्ड है हमारे, 1 2 3 4 5 6। आगे चलते हैं, और फिर हमने क्या बोला, एक्सियल ही सिक्स टाइप के क्या होंगे, हाइड्रोजन, जो एटम जिस डायरेक्शन में होगा हम वहां पे उसी डायरेक्शन में एक्सियल बॉन्ड बना देंगे स्ट्रेट। चले आगे, तो ये हमने क्या बना दिया, साइक्लोहेक्सेन का चेयर कंफर्मेशन। चले, इसके अंदर हमने क्या देखा कि जो स्ट्रेट लाइन है वो तो है एक्सियल बॉन्ड, और जो तिरछी है इस टाइप में, ये कौन से बॉन्ड है, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। चले आगे, तो ये तो हमने देखा कि एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड कैसे प्रेजेंट होते हैं हमारे साइक्लोहेक्सेन में। अब बात करते हैं साइक्लोहेक्सेन में जो हमने बनाया है, कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, कैसे कि जो साइक्लोहेक्सेन जो है चेयर फॉर्म जो है साइक्लोहेक्सेन का, ये जो चेयर फॉर्म हमने बनाया है ये कैसा है, सोहॉर्स टाइप का है, सोहॉर्स प्रोजेक्शन, सोहॉर्स प्रोजेक्शन। अब आप बोलोगे मेरे को कैसे पता, आपको कैसे पता चलेगा, तो ऑब्वियस ही बात है, सोहर्स जब हमने देखा था तो मैंने क्या बोला था कि ये किसी भी मॉलिक्यूल को हम जब साइड से देखते हैं तब पता लगता है कि ये मॉलिक्यूल की जो प्रोजेक्शन है वो कैसा है, साइड व्यू रिप्रेजेंटेशन है, और हम इसको क्या बोलेंगे, सोहर्स। तो ये जो है कंफर्मेशन वो साइड व्यू रिप्रेजेंटेशन है, और इसे क्या बोलेंगे, सोहर्स। आगे चलिए, आपको लग रहा होगा सोहर्स नहीं, देखिए कैसे, मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, जो अपन इससे कंपेयर कर रहे हैं इस स्ट्रक्चर से, देखिए ये हाइड्रोजन, ग्रीन वाले हाइड्रोजन है, तो ग्रीन वाला हाइड्रोजन ये रहा ऊपर, ये वाला हाइड्रोजन ऊपर, और ये वाला ग्रीन हाइड्रोजन नीचे की तरफ। ठीक है, ये जो बॉन्ड है वो पीछे ग्रे बॉल से रिप्रेजेंट किया गया है, यह वाला बॉन्ड इस बॉल से रिप्रेजेंट कर रखा है, ये हाइड्रोजन ग्रे बॉल है और ये वाली ब्लैक बॉल हाइड्रोजन। तो ये सोहर्स से हो गया, देखिए साइड से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, कैसा हो गया ये सोहर्स रिप्रेजेंटेशन। सोहर्स के साथ में अब ध्यान से देखिए, दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के आमने सामने है, तो ये एक्लिप्स्ड हो गया, ये स्टैगर्ड हो गया, कौन सा फॉर्म हो गया, स्टैगर्ड फॉर्म। तो ये हो गया स्टैगर्ड
फॉर्म हो गया। तो क्या बोल सकते हैं कि चेयर फॉर्म जो है सो हर्स प्रोजेक्शन है और ये स्टेगर्ड फॉर्म होती है। चले आगे, तो ये तो हो गया हमारा सो हर्स। अब आप बोलोगे अगर हमको चेयर फॉर्म का क्या बनाना है, न्यूमान बनाना है, तो क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे, देखेंगे न्यूमान प्रोजेक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। न्यूमान प्रोजेक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन का भी कौन सा चेयर फॉर्म का ही देख रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो आप चेयर बना लीजिए, और इसमें बॉन्ड रिप्रेजेंट कर लीजिए। ये मैंने इक्वेटोरियल रिप्रेजेंट कर दिए हैं। देखिए ये M और ये इसका मिरर इमेज W। ओके ओके, नेक्स्ट ये हो गए हाइड्रोजन, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन के साथ में मैंने मेंशन कर रहा हूं अब एक्सियल हाइड्रोजन। कैसा हाइड्रोजन है ये, एक्सियल, बाकी सारी तरफ हाइड्रोजन ही लगे होंगे, यहाँ पे भी मेंशन कर देते हैं इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, ब्लैक के अंदर इक्वेटोरियल, ग्रीन के अंदर एक्सियल। अब मेरे को बनाना है इसका न्यूमान, तो मैं क्या करूंगा, न्यूमान क्या होता है, न्यूमान इज ए फ्रंट व्यू रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो मैं क्या करूंगा, दो गोले बनाऊंगा पहले, तो ये गोले क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये गोले रिप्रेजेंट करते हैं बैक कार्बन, और डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रंट कार्बन। तो ये जो कार्बन है ये वाले जिनको मैं डार्क कर रहा हूं, ये दोनों के दोनों कार्बन ये डॉट। ओके, अब देखिए इससे इस साइड में क्या निकल रहा है, एक बॉन्ड है हाइड्रोजन। ओके, स्ट्रेट नीचे की तरफ क्या लगा हुआ है, ग्रीन में हाइड्रोजन, हो गया। ये मैंने आगे वाले कार्बन की बात करूं, इस वाले कार्बन, अब इस वाले कार्बन की बात करते हैं, ये इस साइड डॉट, इसमें क्या क्या लगा हुआ है, नीचे की तरफ तो लगा हुआ हाइड्रोजन ग्रीन कलर, और साइड में ये क्या लगा हुआ है आपके हाइड्रोजन, ये नीचे। तो हमने फ्रंट कार्बन को पहले दो वैलेंसी जो थी ये और ये, ये और ये मैंने मेंशन कर दी। अब बैक कार्बन पे चलते हैं, बैक कार्बन कौन सा होगा, ये वाला। अब मैं किस कार्बन की बात कर रहा हूं, तो ये आगे वाला हो गया, तो ये पीछे वाला हो गया, तो जो सर्कल है वो ये वाला कार्बन मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये वाला कार्बन। इसमें क्या लग रहे हैं, दो बॉन्ड, कैसे, एक तो ऐसे हाइड्रोजन लगा हुआ है ब्लैक में, तो मैंने ब्लैक से रिप्रेजेंट कर दिया, और ग्रीन के अंदर एक कार्बन हाइड्रोजन लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम। तो इस कार्बन पे दो बॉन्ड थे, मैंने रिप्रेजेंट कर दिया सर्कल से, पीछे वाला कार्बन दो हाइड्रोजन वैलेंस, ठीक है। अब बात करूंगा इस वाले की, ये वाला कार्बन कौन सा है, ये सर्कल जो है वो पीछे वाला कार्बन मैंने रिप्रेजेंट किया, इसमें दो बॉन्ड लगे हुए, कौन से, एक ये और एक ये, मैं सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। तो देखिए इस तरफ है जो है हाइड्रोजन ब्लैक कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया, और ऊपर की तरफ क्या है हाइड्रोजन ग्रीन में। चलो, तो सबकी दो दो वैलेंसी थ्री बना लिए हमने, ठीक है, इसकी दो बन गई, एक इस कार्बन के साथ में तीन, इसकी दो हाइड्रोजन के साथ एक पीछे वाले कार्बन से, तो तीन हुई, तीन तीन वैलेंसी हो गई। चौथी वैलेंसी अब हम फुलफिल करते हैं, तो देखिए क्या है, ये और ये रहा डॉट, ये किससे अटैच है, इस सी एच टू से, ठीक है, कौन से, इस सी एच टू से ऊपर की तरफ। तो देखो क्या कर रहा हूं मैं, तो ये ऊपर बन रहा है, ये भी ऊपर बन रहा है, तो देखिए हम क्या करते हैं, ये सुनना है क्या हुआ, कि ये जो कार्बन है वो ये इन दोनों से अटैच है, फ्रंट कार्बन है जो मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर रखे हैं यहाँ पे। आगे चलते, ये बैक कार्बन है जो मैंने सर्कल से रिप्रेजेंट कर रखे हैं, ये नीचे देखो यूं जाके यूं जा रहा है, नीचे है ये सी एच टू ग्रुप और ये पीछे वाले कार्बन से अटैच है, तो आगे क्या, तो ये आपका क्या बन गया है, बिल्कुल ये आपका बन गया है न्यूमान प्रोजेक्शन। अब
ये CH2 दोनों आ गए। अब इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की भी बात कर लेते हैं कि इनपे जो हाइड्रोजन इक्वेटोरियल और एक्सियल पे होंगे वो कैसे होंगे। तो एक को देख लेते हैं, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस वाले कार्बन को देखते हैं, फ्रंट कार्बन को, ये डॉट वाला, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ CH2 ये, ओके, देखो इससे अटैच है, ठीक है, ये रहा वो CH2। तो हम क्या करते हैं इसको समझने के लिए, ये जो CH2 है इसकी चार वैलेंसी, दो वैलेंसी ये रही, तो मैं क्या करता हूँ ये दो वैलेंसी ऐसे। तो ध्यान से देखिए, ये दो बॉन्ड है वो ये ऐसे बनेगा, ठीक है, और ये आपका एक्सियल बॉन्ड हो गया, ग्रीन बॉन्ड, ठीक है, और ये इक्वेटोरियल हो गया आपके। चलें आगे, दोबारा से देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, कि ये जो दो बॉन्ड है वो तो आपके कैसे हो गए, ये वाले ऐसे, ये दो मैंने हाथ से पकड़ रखे हैं वो ये बॉन्ड्स हो गए। अब इसमें ये जो ग्रीन बॉल है ये वाली, ये क्या हो गए आपके हाइड्रोजन एक्सियल, और ये क्या हो गया इक्वेटोरियल। जब मैं इन दोनों कार्बन को कैसे करूंगा, ऐसे करूंगा पकड़ के, तो देखिए ब्लू बॉल जो अभी इक्वेटोरियल है वो कहां जाएगी, आपकी तरफ। देखिए मैं ऐसे करूं क्योंकि न्यूमान बनाना है मुझे, तो न्यूमान बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, फ्रंट व्यू करूंगा, फ्रंट व्यू देखना है मेरे को। तो फ्रंट व्यू मेरे को कब दिखेगा, जब मैं इन दोनों कार्बन को पकड़ के ऐसे कर दूंगा ऊपर की तरफ। तो यही तो कर रहे हैं हम कि ऐसा है और हम इसको ऐसे कर रहे हैं। तो देखो ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड था वो कहां आ गया, टुवर्ड्स द व्यूअर, आपकी तरफ, और एक्सियल कहां चला गया, पीछे की तरफ। समझ में आया? तो हम क्या कर देंगे कि ये जो कार्बन था इसमें इक्वेटोरियल टुवर्ड्स द व्यूअर आ गया है, और एक्सियल कहां चला गया है, अवे फ्रॉम द व्यूअर। चलो अभी तक बात करते हैं, ऐसे कैसे है ये, ऐसे देखिए ये जो बॉन्ड है वो ऐसे ऐसे, ये CH2, इसको यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है। हम इसको यहाँ समझते हैं, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए क्या, ये जो दो बॉन्ड है वो ये और ये वाले, समझ में आया क्या, ये और ये वाले। अभी जो हाइड्रोजन है ये तो एक्सियल हो गया और ये इक्वेटोरियल हो गया, समझ आ रहा है क्या हो रहा है। देखो दोबारा से देखो, ये रहे दो बॉन्ड, ठीक है, ये तो एक्सियल हो गया और ये इक्वेटोरियल हो गया। जब मैं इसको पीछे की तरफ मूव करूंगा तो एक्सियल मेरी तरफ आ जाएगा और इक्वेटोरियल पीछे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। आप तो इतना सा ध्यान रखें, जब भी साइक्लोहेक्सेन का न्यूमान प्रोजेक्शन बनाएंगे तो उसमें बीच में आएंगे दो CH2 ग्रुप आएंगे, फ्रंट कार्बन वाला जो एक्सियल है वो पीछे चला जाएगा, बैक कार्बन वाला आगे आ जाएगा, यानी अल्टरनेट हो जाएंगे ये एक दूसरे के, एक में एक्सियल आगे एक में एक्सियल। अब हम इसका साइक्लोहेक्सेन का दूसरा कंफर्मेशन ले रहे हैं, कौन सा, बिल्कुल वर्ड मॉर्गन जो बताया था 1918 में कि दो फॉर्म होते हैं साइक्लोहेक्सेन का, चेयर फॉर्म अभी देखा है, दूसरा हम देख रहे हैं बोट फॉर्म। बोट फॉर्म कैसे होती है कैसे नहीं होती है, तो देखिए ठीक, अब इसमें क्या है, ये दो हाइड्रोजन ऐसे और ऐसे होते हैं, ये ऐसे और ये ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे और ये हाइड्रोजन हो गए, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन रहते हैं। मेन चीज क्या है, बोट फॉर्म के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये दोनों एक दूसरे से रिपल्शन करते हैं और फ्लैग पोल इंट्रैक्शन होता है। कौन सा इंट्रैक्शन होता है, फ्लैग पोल इंट्रैक्शन,
फ्लैग पोल इंटरेक्शन। देखिए कैसे, कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि ये बोट फॉर्म है और ये दो हाइड्रोजन जो है एक दूसरे के पास पास में इस तरह से, और जब भी कोई चीज इंट्रैक्शन करने वाली, इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, रिपल्शन या अट्रैक्शन, दो ही चीज होती है इंट्रैक्शन का मतलब, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिपल्शन। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या रखते हैं, एक दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन रखते हैं और ये क्या करेंगे, रिपल्शन। अभी जो डायग्राम आपने हमने देख रहे हैं सामने जो देख रहे हैं बोर्ड पे, आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत पास पास में है, पास पास में है ना, तो आपको ऐसा लग रहा होगा तो बहुत दूर है, सॉरी पास क्या दूर है, तो कैसे इंट्रैक्शन होगा, ये तो हमने बड़ा बनाया है, अभी बोर्ड है तो मैं इतना बड़ा भी डायग्राम बना सकता हूँ, लेकिन एक्चुअल में होता तो बहुत छोटा माइनर है, हम नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते इस मॉलिक्यूल को, तो बहुत पास होता है, इससे रिपल्शन फील होता है, इसे बोलते हैं फ्लैग पोल इंट्रैक्शन। इससे क्या होता है, इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज, और इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। इसीलिए जब हमने एक पॉइंट पढ़ा था, क्या स्टेबिलिटी का पॉइंट पढ़ा था, और इसमें मैंने क्या बोला था आपको कि चेयर फॉर्म जो है आपकी, चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन बोट फॉर्म, बोला था मैंने आपको, बोला था चेयर से नीचे गिरते हैं तो लग जाती है, सिर्फ जमीन पे गिरते हैं, बोट से नीचे गिरते हैं तो पानी में छपाक, तो मोर डेंजरस, ठीक है, एनर्जी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो ये कम स्टेबल है ज्यादा स्टेबल, वो तो ऐसे ही लर्न करने के लिए। मेन रीजन क्या है वो आपके सामने, फ्लैग पोल इंट्रैक्शन होता है इसमें, इसी कारण क्या बोलते हैं अपन इसको, बिल्कुल ये मोर स्टेबल हो जाता है चेयर और बोट लेस स्टेबल, यानी इससे कम स्टेबल होता है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट फॉर्म, चलते हैं इसका एक और फॉर्म लेते हैं इसका, चेयर फॉर्म हो गया साइक्लोहेक्सेन का, साइक्लोहेक्सेन का हमारा बोट फॉर्म हो गया है, अब हम लेते हैं हाफ चेयर, हाफ चेयर। अभी हाफ चेयर का क्या है उसको देखते हैं, हाफ चेयर के बनाते हैं कैसे, पहले तो इधर देखें ऐसे करके, अच्छे से नहीं बनाए, ये हाफ चेयर है, और अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं, हाफ चेयर। तो ध्यान से देखिए कि मैं कोशिश तो कर रहा हूं चेयर बनाने की, लेकिन पूरी चेयर नहीं बनती, पूरी चेयर तो ऐसे होती है हमारी ऐसे, बीच देखें मूवी में तो देखे होंगे बीच, समुद्र का किनारा, हाँ वही उसी की बातें चल रही है, तो वहां पे जो चेयर्स होती है कभी देखा हूँ वो कैसे होते हैं, ऐसे तो होती है आदमी लेटा ऐसे ही पसर के, चेयर फॉर्म, तो ये वाली चेयर है, हमारी वाली चेयर नहीं है, हमारी वाली चेयर ऐसे होती है, लेकिन ये ऐसे बनता है या नहीं बनता ना चेयर फॉर्म, ये वाली चेयर कौन सी, बीच वाली। अब हम देखेंगे चौथा कंफर्मेशन साइक्लोहेक्सेन का, कौन सा, ट्विस्ट मोड, हैशटैग ट्विस्ट मोड। बोट को आप थोड़ा सा मोड़ दीजिए, कागज की बोट बहुत बनाई है हमने बचपन के अंदर, क्या करें उस बोट को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दीजिए, मोड़ दीजिए, तो कैसे बनेगी, कुछ ऐसा हो जाएगा, आप जब उसको मोड़ देंगे थोड़ा सा तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा ट्विस्ट बोट। इसके अंदर मेन चीज प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता है, और सेकंड पॉइंट ऑप्टिकली एक्टिव। कोई आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा कंफर्मर है साइक्लोहेक्सेन का जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो आप क्या बोलेंगे, ट्विस्ट बोट। ओके, तो ये तो हमने चार कंफर्मेशन पढ़े किसके, साइक्लोहेक्सेन के। अब आपके मन में आ रहा होगा अब इनकी एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर कैसे होते हैं, कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल, तो उसके बारे में देखते हैं। ओके ठीक, एनर्जी प्रोफाइल हम देख लेते हैं, रिलेटिव स्टेबिलिटी और एनर्जी। ठीक है, इधर हमारा हो जाएगा क्या, एनर्जी।
चले आगे। ठीक, तो हम देखिए क्या है, ग्राफ हमारा जो स्टार्ट होगा जीरो से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम पे जाएगा, नीचे आएगा, क्या बोला हमने, मैक्सिमम पे जाएगा, नीचे आएगा आएगा आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर ये जीरो पे। ठीक, ये जहां से स्टार्ट हुआ तो वापस वहीं पे। जर्नी लाइफ की भी ऐसी, जहां से स्टार्ट करते लास्ट में वहीं से। ठीक, देख इनकी एनर्जी सेम है, इनकी एनर्जी सेम है। ठीक, और ये एनर्जी जिनके एनर्जी सेम है वो सेम होंगे। देखिए सबसे ज्यादा जो एनर्जी ये है 10.8 किलो कैलोरी। ओके, एक एनर्जी ये है, ये है 7.1 और ये 5.5 किलो कैलोरी पर मोल, सब किलो कैलोरी पर मोल के अंदर है। यहाँ पे चेयर फोन जो सबसे कम एनर्जी होगी जिसकी होगी चेयर फोन, सबसे ज्यादा एनर्जी हाफ चेयर। किसकी होगी, हाफ चेयर, तो सबसे ज्यादा यहां पे भी हाफ चेयर। अब आप करके क्या बच गया, बोट और ट्विस्ट बोट, तो यहां पे आ जाएगा बोट, और जो नीचे एनर्जी लेवल हो गई वहां पे क्या बच जाएंगे, ट्विस्ट बोट। यहां पे भी क्या जाएगा, ट्विस्ट बोट। चलो, तो ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हो गया। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की, रिलेटिव स्टेबिलिटी, इसको याद कैसे करें, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर इस दुनिया में जितनी भी जंग हुई है वो सब कुर्सी को लेके हुई है, ध्यान रखिए। अभी भी जो जंगें चलती हैं, जो सब कुछ हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, कुर्सी के लिए। सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है चेयर, कौन सी फॉर्म है, चेयर। और उसी चेयर को कोई नीचे से तोड़ दे तो आदमी नीचे गिर जाएगा, हाफ चेयर, सबसे ज्यादा अनस्टेबल हाफ चेयर। ठीक है, फिर ट्विस्ट बोट, और फिर ये स्टेबिलिटी फॉर्म ऑर्डर, चेयर, ट्विस्ट बोट, बोर्ड और हाफ चेयर, स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। तो याद करने का तरीका मैंने बता दिया, जितनी भी लड़ाई है सब चेयर्स को लेके, चेयर को, कुर्सी को लेके सारी वो है लड़ाई। सबसे स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, चेयर। तो वही चेयर अगर टूट जाए, कोई पाया टूट जाए, कोई पकड़ के खींच ले, तो कितना दुख होता है यार, हम वहां पे पहुंचे, हम वापस यहाँ गए। और सबसे ज्यादा अनस्टेबल क्या होता है, हाफ चेयर। अब इनके बीच में क्या आ गया, बोट और ट्विस्ट बोट। तो ट्विस्ट, हमें वो मूवी सबसे अच्छी लगती है जिसके अंदर ट्विस्ट आता है, और ट्विस्ट आ गया, घुमाव आ गया, तो ट्विस्ट फिर बोट। ओके, तो ये तो था, याद करने का और भी तरीका है, एक और एंड और ऑर्डर आपसे पूछ सकता है, वो क्या, वो ऑर्डर क्या है, एनर्जी ऑर्डर। तो एनर्जी ऑर्डर जो है स्टेबिलिटी का जस्ट रिवर्स है। देखिए सबसे कम एनर्जी किसकी, चेयर की, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। इससे थोड़ी सी ज्यादा ट्विस्ट की तो वो सेकंड नंबर पे स्टेबल हो गया, इससे थोड़ी सी ज्यादा बोट की तो उससे कम स्टेबल हो गई, और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी, हाफ चेयर की, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो गया।
समझ में पल्ले पड़ी थोड़ी बहुत, बिल्कुल ऐसे समझाएगा, ऐसे समझ में आएगा, बिल्कुल ऐसे समझेंगे, ठीक है। तो ये तो था कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।